सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा की पुस्तक नंबर 2, महाभारत के पाठ नंबर 3, भीष्म प्रतिज्ञा के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं वो करेंगे। और मुझे आशा है बच्चों कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी फेयर नोटबुक साथ साथ में तैयार करनी है, उन पे कवर करना है, उन्हें अच्छा साफ सुथरा तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, और साथ में आपने ये प्रश्न उत्तर याद भी करने हैं, क्योंकि आपके साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी चले हुए हैं, तो आपने इन्हें साथ साथ में प्रश्न उत्तरों को याद करते रहना है। और हर टाइम आप तो घर पे रहते हो, इसलिए आपके पास बहुत टाइम है इन्हें दोहराने का। आप इन्हें बार बार दोहराओ तो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 3, भीष्म प्रतिज्ञा, उसके मुख्य प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मुझे आशा आप उसे ध्यान से सुनेंगे। सबसे ऊपर आप पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ नंबर 3, भीष्म प्रतिज्ञा। तो सबसे पहले प्रश्न जो बनता है बच्चों, क्या है प्रश्न नंबर 1, शिकार करने गए राजा शांतनु गंगा तट से किसे साथ लेकर आए थे। जो शिकार करने गए थे राजा शांतनु गंगा तट पर, वो अपने साथ किसे लेकर आए थे? अपने पुत्र देवव्रत को। किसे लेकर आए थे? देवव्रत को, जिसका बाद में भीष्म नाम पड़ा और भीष्म नाम से वो जो प्रसिद्ध हुए थे, देवव्रत। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न क्या है? केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी थी? केवटराज कौन थे? सत्यवती के पिताजी थे, जो मल्लाहों के सरदार थे। तो प्यारे बच्चों, क्या इसका उत्तर? केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। उन्होंने क्या शर्त रखी थी? कि जो उनकी पुत्री है सत्यवती, जो उसका पुत्र होगा वही राजा बनेगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 3, सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए? सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र, चित्रागंध और विचित्र वीर्य। चित्रागंध और विचित्र वीर्य 2 पुत्र हुए थे सत्यवती से शांतनु के, चित्रागंध और विचित्र वीर्य। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? केवटराज की शर्त को महाराज शांतनु तुरंत क्यों स्वीकार न कर सके? जो केवटराज ने शांतनु के सामने जो शर्त रखी थी, उन्होंने वो शर्त एकदम स्वीकार क्यों नहीं की? तो क्या उत्तर है इसका बच्चों? केवटराज की शर्त शांतनु को अच्छी नहीं लगी थी। केवटराज को की शर्त जो शांतनु को वो अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने एकदम उसको स्वीकार नहीं किया था। तो प्यारे बच्चों, अगला क्या है प्रश्न? विचित्र वीर्य की कितनी रानियां थी एवं इनके नाम भी बताइए। विचित्र वीर्य कितनी रानियां थी और इनके नाम भी बताइए। 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। कौन कौन सी रानियां थी? अंबिका और अंबालिका, जो पांडु और धृतराष्ट्र की माँ थी, उनके नाम है अंबिका और अंबालिका। प्रश्न नंबर 5, केवटराज की शर्त को देवव्रत ने किस तरह पूरा करने का प्रयास किया? केवटराज की जो शर्त थी उसको देवव्रत ने किस तरह पूरा करने का प्रयास किया? देवव्रत कौन? भीष्म पिता मैं। देवव्रत ने
केवटराज के सामने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। देवव्रत ने क्या किया? आजीवन ब्रह्मचारी रहने की मतलब आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली। भीष्म पितामह ने क्या, देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली? कि वो आजीवन पूरा जीवन शादी नहीं करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, तो इसी वजह से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा और इसी नाम से वो बाद में प्रसिद्ध हुए थे। वो बहुत साहसी बहुत वीर थे। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो लेसन है, जो इसके प्रश्न उत्तर, वो पूरे हो चुके हैं और मुझे आशा आप इसे ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फिर नोटबुक साफ साफ तैयार करना।